अस्सलाम वालेकुम गाइस, मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील का जनाजा है। कब और किस टाइम है पूरी तफसील के साथ आप दोस्तों को बताऊंगा। उससे पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखना और इस चैनल को असगर टीवी को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों जी हाँ, मौलाना तारिक जमील के बेटे के बारे में कई खबरें चल रही हैं। हर यूट्यूबर अपनी अपनी तरफ से इसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा है। कोई कह रहा है कि इसने ख़ुदकुशी की है, कोई कह रहा है कि इसको कत्ल किया गया है, लेकिन असल हकीकत यह है कि मौलाना तारिक जमील के बेटे का ना कोई कत्ल हुआ है, ना कोई इसने ख़ुद को गोली मारी है, ना ख़ुदकुशी की है। बल्कि ये बेचारा तो एक मरीज़ था, डिप्रेशन का मरीज़ था, तो ये जहनी थोड़ा मरीज़ था, तो इसको तो पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है और किस तरह कर रहा है। और ये इसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, ये अपनी मौत खुद मरा है, ये इसने ना कोई ख़ुदकुशी की है ना कुछ। इनके घर वालों ने इस बात की तस्दीक कर दी है। और दोस्तों ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि जो यूट्यूबर अपनी तरफ से इसके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं। बाकी दोस्तों इसका जो नमाज़ जनाजा वो शाम को 7 बजे है, मौलाना तारिक जमील साहब के अपने गांव में 7 बजे जनाजा है शाम को। पूरे पाकिस्तान को ये इतला दी जाती है, प्लीज़ इस जनाजे में शिरकत फरमा के सवाबदाना हासिल करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने लोग देखेंगे वो नमाज जनाजा में जाएँगे, ठीक है दोस्तों, और हमें भी सवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।